स्टार्ट। खड़े हैं पटना के ऐतिहासिक इमारत के पास जिसका नाम है परिवहन भवन। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी ऐतिहासिक इमारत है और इसकी स्थिति क्या है आप वो भी देखिए। आपको बताएं ये इमारत करीबन 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसकी हालत आप देख सकते हैं। और वहाँ पे ऊपर में लिखा भी है परिवहन भवन, साथ में लिखा है बिहार स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। सफाई तो यहाँ हो रही है लेकिन इसकी जो हालत है काफी जर्जर है। आप देख सकते हैं खिड़कियां भी टूटी हुई है और साथ में जो नजारा है यहाँ का वो भी आपको दिखा रहे हैं। काफी सुंदर इमारत है लेकिन जर्जर हालत में है। 100 साल से भी पुराना इमारत है और आप देख सकते हैं इसके दो गेट है इन एंड आउट। आउट की हालत तो कुछ इस तरीके से है कि आप देखिए पूरी उसकी जो गेट है वो टूट चुकी है, साथ में दरवाजों में जंग लग गया है, गेट में जंग लग गया है और पूरी तरीके से जर्जर हालत हो चुकी है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं खिड़कियां भी टूट गई है और क्या कुछ हालत है। छज्जे पे पेड़ पौधे भी उग गए हैं आप देखिए, और इसको संजो के नहीं रखा गया है जिसके कारण इसकी हालत ये हो गई है। आपको बताएं यहाँ पे इसको तोड़ के 5-स्टार होटल बनाया जाने की बात हो रही है और ये इसकी हालत है। अभी फिलहाल इस कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है कि इसको अब तोड़ के 5-स्टार होटल नहीं बनेगा, लेकिन हम आपको दिखाने लाए हैं कि इसकी हालत क्या कुछ है। आप ये देखिए जहाँ पे जो खिड़कियां हैं वो भी टूट गई हैं और आप ये देखिए किस तरीके से, और जो पाइप्स है उस पर भी काफ़ी पेड़ पौधे उग गए हैं। आप ये देख सकते हैं क्या कुछ हालत है, खिड़कियां भी आधे से ज़्यादा टूट चुकी हैं। कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दिया है कि इसको नहीं तोड़ा जाएगा और उसके बाद इस पर बातचीत होगी। अमरजीत की जनहित में जारी याचिका पर चीफ जस्टिस संजय कोरोला की ने बताया है कि इस फैसले पे सुनवाई तो होगी, साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। अमरजीत की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल ने कार्रवाई की। इस जनहित याचिका में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें उसने सुल्तान पैलेस को तोड़े जाने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें इसको तोड़ के 5-स्टार होटल बनाने की बात हो रही थी लेकिन अब कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है और इसको 8 सप्ताह दिया गया है ताकि सारी जानकारी कोर्ट तक पहुंचाए। काफ़ी ऐतिहासिक इमारत है लेकिन इसकी हालत जो है काफ़ी जर्जर है। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।